बहुत ज़्यादा ट्रेंड में मीशो 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 चल रहा था। अच्छी लगी है क्योंकि इसका मटेरियल बहुत अच्छा, कुर्ता और भी ज़्यादा अच्छा लग सकता है जब आप इसके साथ वेयर करेंगे एक्सेसरीज जैसे कि हम मेटालिक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ अंकिता और आप देख रहे हैं ब्लॉग विद अंकिता। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ मीशो से कुछ कुर्ती सेट, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में मीशो 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 चल रहा, तो इसलिए मैं भी मीशो ही सीरीज कर रही हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियोज़ डाली हैं वो भी मीशो की ही हैं, और आज भी मैं मीशो से ही कुछ कुर्ता सेट लेकर आई हूँ। अभी जो कुर्ता सेट मैंने मंगाए हैं ये बहुत ही बजट फ्रेंडली हैं, अफोर्डेबल हैं, आप इजीली इनको मंगा सकते हैं। इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अभी तो मैंने खोले नहीं हैं लेकिन जो फोटोज़ और रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने मंगाए हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और कम प्राइस के भी हैं, तो आपको पसंद आ सकते हैं। और ये नॉर्मली वियर है, आप इनको घर में भी पहन सकते हैं और बाहर भी पहन के जा सकते हैं, बट पार्टी वियर नहीं है, ऐसा नॉर्मल वियर है, आप इनको घर में पहन सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगती है ऐसी वीडियो बनाने में। पहले कपड़े सिलेक्ट करो, फिर उनको विश लिस्ट करो, फिर उनको मंगाओ, तो और पैसे तो ऑब्वियसली लगते ही हैं। बहुत ही एक्साइटेड वीडियो होने वाली है और मैं खुद एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने अभी इनको ओपन नहीं किया और मुझे कुछ नहीं पता है कि इनके अंदर जो मैंने मंगाया है वही आया है या कुछ और आया, तो ये भी मुझे भी नहीं पता है। तो ये जो भी कुर्तियाँ हैं ये स्टार्ट होने वाली हैं 180 रुपीज़ से और 350 के अंडर ही हैं। तो इसमें कुछ कुर्ता सेट हैं और कुछ कुर्तियाँ हैं और कुछ फुल सूट भी हैं। मैं कुछ और वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें क्रॉप टॉप्स होंगी और हैंडबैग होंगे, तो मैं पूरी मीशो सीरीज ही कर रही हूँ। तो अगर आप भी मीशो के और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए करते हैं इनको ओपन। और फ्रेंड्स, पता नहीं मेरे घर की कैंची कहीं गुम हो गई है, तो मैं लेकर आई हूँ चाकू, अब इसी से ओपन करूँगी। मैंने बहुत ढूंढी लेकिन नहीं मिल रही है। चलो कोई नहीं, चलो कुछ तो काम है। तो इसके अंदर से निकले है ये ब्लैक कुर्ती और इसके बटन अलग से दिए गए हैं, अगर आपको लगाने हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। और ये स्मॉल साइज की है, अभी तक तो अच्छी लग रही है। तो ये देखिए गाइस, ये है कट स्लीव की है और इसका मटेरियल कॉटन है, इसका मटेरियल बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। लॉन्ग कुर्ती है, एकदम स्ट्रेट है और इसमें ये पूरी ब्लैक कलर की है और इसमें वाइट कलर की लाइनिंग दी गई है। तो चलिए मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितने रुपए की मंगाई है। हाँ जी, तो ये सबसे लोएस्ट प्राइस वाली है, ये 181 रुपीज़ की वुमन्स ए लाइन कुर्ती है ये, बट ए लाइन मुझे कहीं से नहीं लग रही, मुझे स्ट्रेट लग रही है, और 181 रुपीज़ की है। और इसमें बहुत सारे कलर हैं, अगर आप कोई और सा कलर भी मंगाना चाहते हैं तो मंगा सकते हैं, इसमें काफ़ी सारे कलर हैं। मैं ऊपर स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं इसको ट्राई करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है कुर्ता जो भी मैंने ओपन किया है, और ये मुझे थोड़ा यहाँ से टाइट है और यहाँ से लूज़ है कुर्ती। चलो थोड़ी बहुत ही फिटिंग करा लेते हैं, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इसकी मुझे नेक थोड़ी टाइट लग रही है, मतलब कि नेक का जो ये पोर्शन है छोटा है, जिनको थोड़े बड़े गले पहनने की आदत है वो तो इसमें बिल्कुल दम ही घुट जाएगा। और बाकी मटेरियल तो अच्छा है, अगर आप जैसे मान लीजिए आप मार्केट से कपड़ा लेते हैं फिर उसकी स्टिचिंग कराते हैं तो इतने में आपको इससे महंगी ही पड़ेगी आपको वो कुर्ती। और मीशो जो है आपको कम्प्लीट दे रहा है, कपड़ा भी और स्टिचिंग भी, तो नॉट बैड। और ये देखिए, पीछे तो बिल्कुल भी गला दिया ही नहीं है इन्होंने, बहुत ही ज़्यादा छोटा है रखा हुआ है पीछे से। ये ब्लू जीन्स के साथ बहुत अच्छा लगेगा इसमें कुर्ता, और भी ज़्यादा अच्छा लग सकता है जब आप इसके साथ वियर करेंगे एसेसरीज जैसे कि हम मेटालिक की एसेसरीज वियर करेंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी ये कुर्ती। कोई भी कपड़ा पहनो, जब तक आप उसको अपने उस तरीके से पूरा मेकओवर नहीं करते तब तक वो कपड़ा उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं भी इस कुर्ती के साथ मैं जैसे मेटालिक कुछ झुमका वियर करूँगी या हाथों में बैंगल्स वियर करूँगी तो ये कुर्ती भी बहुत अमेजिंग लगने वाली है। तो फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट कुर्ती होने वाली है, इसको भी ओपन करते हैं। वाओ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये ब्लैक कलर का है तो गोल्डन कलर का प्रिंट दिया हुआ है और ये स्ट्रैप वाली कुर्ती है। वाओ यार, ये बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे अभी तो। और बैक में ये इलास्टिक दी गई है, आगे इसमें ये स्ट्रैप दी गई है जो कि एडजस्टेबल है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसका मुझे ये प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देखिए
गोल्डन कलर का और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं तो फैन हूँ गोल्डन और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन की, इसलिए मैंने ये वाला मंगाया है। इसमें भी आई थिंक और सारे और भी कलर हैं, तो मैं आपको वो बता दूंगी और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी। बात करें इसके मटेरियल की, तो ज़्यादा थिक मटेरियल नहीं है, कॉटन ही है और थोड़ा पतला ही है कॉटन। समर्स में पहनने के लिए बिल्कुल सही है, बहुत ही कंफर्टेबल होगा मेरे ख्याल से। पहनने के बाद मैं बताती हूँ, उससे पहले मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी। आप देख सकते हैं इसमें जो प्रिंट है ये गोल्डन कलर का वर्क है। आफ्टर वॉश का डाउट है, हो सकता है कि ये धुलने के बाद इसका प्रिंट चला जाए या फिर थोड़ा मिट जाए, ये हो सकता है। अभी तक मैंने मीशो से जो भी कुर्तियाँ मंगाई हैं वो अच्छी ही निकली हैं टचवुड, और अभी जो मैंने मंगाया ये भी अच्छा ही लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये है 249 रुपीज़ की, और हाँ चित्रलेखा, मैं चित्रकारा बोल रही थी, तो ये है चित्रलेखा पैटी वुमन कुर्ता सेट। कुर्ता सेट लिखा है, मुझे खाली कुर्ती मिली है। अभी मैं मीशो की तारीफ कर रही थी लेकिन कुर्ता सेट लिखा था और मुझे सिर्फ कुर्ती मिली है। चलिए देखते हैं, मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। इसमें नीचे इस अरे कहना क्या चाहते हो, इसमें जो मॉडल है उसने नीचे ब्लैक कलर का शरारा पहना हुआ है और ऊपर ये कुर्ती पहनी हुई है, तो मुझे लगा था सेट है तो पूरा ही आएगा, बट पूरा नहीं आया है, सिर्फ कुर्ती ही आई है। चलिए मैं या तो हो सकता है इसको रिटर्न करूँ या फिर रखूँ, वो ट्राई करने के बाद पता चलेगा। चलिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट कुर्ती है ये मुझे इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत अच्छा है, इसका प्रिंट बहुत अच्छा है और इसमें ये जो डोरी दी गई है ये एडजस्टेबल है, जो इसके लुक को बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना रही है। दूसरा जो पीछे दी गई है इस तरह से इलास्टिक दी गई है, इसमें आपको फिटिंग कराने की इस तरह की इलास्टिक दी गई है इसमें पीछे, जो कि आपको फिटिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने स्मॉल साइज़ मंगाया था, हाँ बस थोड़ा सा ये हिप्स पे से टाइट है और कमर पे से लूज़ है, तो मे बी अगर एक साइज़ में बड़ा मंगाती तो ये बिल्कुल परफेक्ट आता। बात करें इसके मटेरियल की, तो कॉटन ही है इसका मटेरियल, और वॉश करने के बाद बस मुझे इतना डाउट है कि इसका ये प्रिंट जा सकता है, बाकी गॉड नोज कि क्या ही होगा आफ्टर वॉश। तो चलिए मैं आपको थर्ड कुर्ती ओपन करके दिखाती हूँ। तो ये है हमारी किया फैशन की कुर्ती, तो ये देखिए गाइस इसका जो मटेरियल है वो प्योर कॉटन नहीं है, इसमें कॉटन मिक्स है और कट स्लीव है, स्ट्रेट कुर्ता है, पिंक और वाइट मिक्स है एंड स्मॉल साइज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इसको गर्मी में पहनते हैं तो थोड़ी गर्मी लग सकती है, क्योंकि ये कॉटन प्योर कॉटन नहीं है, कॉटन मिक्स है। बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि इसको हम वॉश करेंगे तो इसका कलर या कुछ ऐसा जाएगा। हाँ इन्होंने इसमें मेंशन तो किया है कि 100% कॉटन की, मुझे लग तो नहीं रहा है, तो चलिए इसको भी मैं ट्राई करके दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये है नेक्स्ट कुर्ती, ये भी पिंक और वाइट कलर की है, इसमें भी बस थोड़ा फिटिंग रिलेटेड इशू है, बाकी सही है। यहाँ से थोड़ा लूज़ है अंडर आर्म्स में से और थोड़ा कमर से भी लूज़ है। डेली वेयर में पहनने के लिए ये कुर्ती बहुत ही सही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने पीछे गोराई दी है, इनको आगे भी देनी चाहिए थी वो इन्होंने दी ही नहीं, और ये कपड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, तो टेलर इसको थोड़ा सही कर दे हो सकता है। ये थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है, मतलब अजीब सी लग रही है ये चीज़, ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो चलिए मैं फटाफट नेक्स्ट ट्राई करती हूँ। और फोर्थ कुर्ती हमारी होने वाली है ये, और पार्सल ओपन करते हैं। टिडिश क्या निकलने वाला है, तो इसमें निकलने वाला है कुर्ता सेट। तो ये है इसका प्रिंटेड दुपट्टा, इसकी लेंथ भी ठीक है, ज़्यादा छोटा नहीं है, ज़्यादा छोटा दुपट्टा नहीं है, इसकी लेंथ अच्छी है और मुझे इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये है ए लाइन कुर्ता, इसको बोलेंगे ए लाइन कुर्ता, इन्होंने और में भी लिख रखा है, और ये स्लीव्स इसकी जॉर्जेट की दी गई हैं, और इसका जो मटेरियल है वो मुझे क्रीप में लग रहा है, इसका मटेरियल क्रीप का है, और गले पे लेस दी गई है, ये अच्छी लग रही है, और पूरा प्लेन है, दुपट्टे पे प्रिंट है। तो ये मंगाया है 340 रुपीज़ का, और इसमें भी बहुत सारे कलर हैं, येलो, मरजेंटा, ग्रीन, रेड, स्काई ब्लू, काफ़ी सारे कलर हैं इसमें, और ये मैंने स्मॉल ही मंगाया है।
चलिए मैं इसे ट्राई करती हूँ। फ्रेंड्स नेक्स्ट कुर्ता है हमारा ये, और ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है पहनने के बाद। मुझे यहाँ से थोड़ा लूज है बट मैं इसकी यहाँ से फेडिंग करा लूँगी तो उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। और इसकी जो स्लीव्स हैं ये जॉर्जेट की स्लीव्स हैं, नेट ही नहीं है। और ये सामने जो इसमें ये पट्टी सी दी गई है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ये फुल स्लीव्स का सूट लेने के लिए, और ये फाइनली मैंने मंगा लिया तो बहुत ही अच्छा है। और इसमें जैसे मैं आपको बताया कि टिच बटन भी दिए गए हैं, ऑब्वियसली थोड़ी फिटिंग तो इसमें करानी पड़ेगी, काम है इसमें थोड़ा। और बात करें इसकी दुपट्टे की, तो दुपट्टा फुल लेंथ में है और नीचे ये इस तरह से इसमें ये बूटे टाइप दिए गए हैं दो, हर एक के कोने में। और इसका जो प्रिंट है ये गोल्डन कलर का पूरी दुपट्टे में किया गया है, तो जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना रहा है। सूट सिंपल है और दुपट्टा प्रिंटेड है। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट ट्राई करके दिखाती हूँ। तो फिफ्थ एंड लास्ट होने वाला है हमारा ये वाली ड्रेस। तो चलिए इसको भी ओपन कर लेती हूँ फटाफट, तो मुझे इसको खोलने के लिए चाकू की जरूरत नहीं पड़ी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, इसका ये वाला वर्क बहुत अच्छा लगा है, थ्रेड वर्क है और इसमें सीक्वेंस भी लगाए गए हैं। और आगे ये ऐसे वर्क किया गया है इसमें भी हाथ पे, एंड बॉटम साइड भी किया होता तो अच्छा लगता मेरे ख्याल से, बट बॉटम साइड नहीं है सिर्फ ऊपर ही है। और इसमें यहाँ पे डोरी भी दी गई है। और बात करें इसकी मटेरियल की, तो मटेरियल भी अच्छा है। ये मंगाया है मैंने 285 रुपीज़ का, और ये है ईशानी प्रिटी कुर्तीज़। इसमें नीचे मॉडल ने वाइट कलर की प्लाजो पहनी हुई है, तो वाइट कलर की प्लाजो आप अलग से ले सकते हैं और वो इसमें पहन सकते हैं, जो कि मैं भी करने वाली हूँ। इसके नीचे वाइट कलर का प्लाजो लेके पहनूंगी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगता है। तो चलिए मैं इसको ट्राई करके दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं इसका लैंडस्केप मोड पे शूट लेना भूल ही गई, फिर मैंने पोर्ट्रेट में जो लिया था वही मैंने एडजस्ट कर दिया। और वैसे ये कुर्ती पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, इसके आगे का जो ये वाइट कलर में जो थ्रेड वर्क किया गया है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने इसको थम्स अप ही दिया है। और कुर्ती का मटेरियल भी बहुत अच्छा है, और आप सामने से देख ही रहे हो ओवरऑल लुक बहुत अच्छा है, ऑफिशियल पर्पज़ से भी और डेली वियर के पर्पज़ से भी ये बहुत अच्छी है। इसमें जो ये सीक्वेंस वर्क किया गया है ये इसके लुक को बहुत ज़्यादा अमेजिंग बना रहा है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही था मीशो हॉल से कुर्ता सेट का वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आती रहूँगी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस और लेकर आऊँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप करते हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियोस बनाने का। मुझे लगता है कि हाँ जो मैं बना रही हूँ वो आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो इसी तरह की वीडियोस मैं आगे कंटिन्यू करती रहूँगी। और कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है कुर्ती उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में लगा, आप परचेज भी करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, आप वहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। बाय।